विश्व के कई देशों में लोकतंत्र स्थापित है, लेकिन कई देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भिन्नताएं दिखाई देती हैं। जैसे हम भारत की बात करें, भारत में 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोग प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। ये प्रतिनिधि विभिन्न राजनीतिक दलों के होते हैं। जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है वो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। प्रधानमंत्री देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्मों को समान सम्मान प्राप्त है। हम बात करें अमेरिका की, अमेरिका में भी प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है और जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है। अगर हम बात करें इस्लामिक देशों की, जहाँ लोकतंत्र स्थापित है, तो हम देखते हैं कि वहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, कानून में धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। इस पार्ट में हम लीबिया और म्यांमार देशों में लोकतंत्र किस प्रकार स्थापित हुआ और उसे स्थापित करने के लिए लोगों ने किस प्रकार संघर्ष किया, इसकी कहानी को विस्तार से देखेंगे।